तुम्हें बहुत मस्ती से गुजरी है, देखो बहुत मस्ती से गुजरी है। क्या देखने को मिला ही है, अरे वाह भाई। मुंह बंद है वरना अगर ये बाइट मार लेते ना, ये इन्हीं में से किसी का लग रहा है मुझे। बिल्ली यहाँ पे आज भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ये ना यहाँ से परमानेंटली ले गई है किसी और के घर पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं एक्सपो सेंटर कराची। अब वहाँ पे लग रहा है कैटल्स का एक फेस्टिवल, मतलब यही कि एनिमल्स गाय बकरों का, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, मुझसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हुज़ैफा को है इसके बारे में, तो हुज़ैफा को मैंने बुलाया, हुज़ैफा हमारे साथ जाएगा, उससे भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं कि हुज़ैफा वहाँ पे क्या क्या लग रहा है, हुज़ैफा बताएगा। मुझे बस इतना पता है कि वहाँ पे जानवरों को, मतलब गाय बकरों को एक फेस्टिवल लग रहा है, सारे राइडर यहीं से जाते हैं। ज़ैफा बेटा, वेयर आर यू? मुझे लग रहा है आज भी नहाने चले गया, 3 बजे आ गए। एक घंटे पहले मैसेज करो, 1 घंटे बाद आता है। तो जी ज़ैफा भैया यहाँ पे आ गए। ज़ैफा, वहाँ पे क्या क्या है? एक्सपो गैलरी, एक्सपो सेंटर, वहाँ पे है क्या क्या? काओ भैया कह रहा है कि एक्सपो सेंटर में काओ वगैरह का फेस्टिवल है, तो फिर कितने बजे टाइम, कितने बजे स्टार्ट? 2 बजे। 2 बजे यहाँ पे स्टार्ट? अभी लेट हो गया, अभी कह रहा है 3 बज गए, लेकिन 2:30 बजे स्टार्ट है। अभी हम निकलेंगे तो 3:15 या 3:30 तक पहुंच जाएंगे, तो फिर चले ज़ैफा। हम लोग निकल गए अपने रास्ते पे और आज भी थोड़ा थोड़ा रश आएगा। ओबे शिट यार, मैं अपनी जैकेट तो घर पे ही भूल गया। शुक्र है अभी मैं करीब ही था, याद आ गया, वापस मोड़ लेता हूँ। अबे भाई शुक्र है याद आ गया, वरना तो मैं वापसी में ठंड से ही मर जाता। ये रखी हुई है हमारी जैकेट, वापस चले। ओके जी, तो हम दोनों आ गए यहाँ पे एक्सपो सेंटर कराची में। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आ गए हैं यहाँ पे दिलप्रीत सिंह के कैटल फार्म में। ओए होए होए, अबे कितने बड़े बड़े हैं यार। ये वाला देखो, वाइट वाला, ये चेक करो, ये भी कितना बड़ा है। ओए होए भैया, कितने दांत का है? 2 दांत का है। 2 दांत का इतना बड़ा? वैसे 2 दांत लग नहीं रहा है, कम से कम 4 दांत का तो लग रहा है यार मुझे। देखो तो इसका मुँह कितना बड़ा है, ये वाला देखो, साइज देखो, कम से कम 6 फिट है। दिलप्रीत सिंह के बिल्कुल ही बराबर में यहाँ पे ट्रिपल एरी फार्म है। और ये बच्चे देखो, इनकी कितनी प्यारी है। नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं बिल्कुल भी यार, इसकी झालर देखो कितनी है, ये देखो। ओए होए होए, नहीं नहीं, बस बस। अच्छा तुम बहुत कर रही हो, चलो पीछे। तुम्हें बहुत मस्ती सूझ रही है, देखो बहुत मस्ती सूझ रही है। कितने कितने दांत की हैं? पूरी पूरी 8-8 दांत। ओए होए, वाह भाई, लेकिन बड़ी है बछड़ी। ये वाला बछड़ा चेक करो, इसका मुंह कितना छोटा है ना, कितना प्यारा है यार, ये गोल मटोल सा छोटे मुंह का बछड़ा, अच्छा लग रहा है। इसी के बराबर में ये भी एक बछड़ा है। तो यहाँ पे हमें देखो क्या देखने को मिला ही है, अरे वाह भाई, छोटे से मुंह, ये बिल्कुल अभी खीरा है, ये लोग बता रहे हैं। ये बछड़ा है, बछिया है? बछिया है और बिल्कुल मतलब खीरी है, 2 दांत है। अरे वाह यार, कितनी छोटी है, मतलब मेरे घुटनों तक आ रही है। खाना खा रही हो? खा लो खा लो खा लो। और इन्हीं के पीछे ये इतने बड़े बड़े बैल खड़े में, और ये बेचारी इतनी छोटी सी। ये कौन सा कैटल फार्म है भाई? गोल्ड स्टार कैटल फार्म। और बछड़ा है बछिया है? बछड़ा है ना, कितना प्यारा है यार, इसकी सफाई हो रही है। हाँ भाई कैसे हो, कितने दांत है भाई? 4 दांत। 4 दांत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है यार। अच्छा यहाँ पे कुछ डिमांड वगैरह भी कर रहे हैं? डिमांड वगैरह? अच्छा हम यहाँ पे अब बकरों की तरफ आ गए। ये बकरा देखो यार, सामने वाला कितना खूबसूरत और कितना बड़ा यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सारे बकरे इतने बड़े बड़े हैं ना यहाँ पे, मतलब सारे शो स्टॉपर बकरे हैं भाई। यहाँ पे हमें एक बकरा देखने को मिला, बड़ा प्यारा बकरा है भाई, कितना 6 दांत का, और इसकी नस्ल है। अच्छा अच्छा, टॉप रेट आप, क्या बकरा है यार, क्या बकरा है, आगे से दिखाओ। यार ये बकरा देखो, फजल कैटल फार्म का बकरा है, ये कितना बड़ा बकरा है यार। हाँ भाई कैसे हो, कितने दांत के हो, दिखाओ। ये है 6 दांत का, क्या प्यारा बकरा है यार, क्या प्यारा बकरा है। तो जी ये देखो, हमें यहाँ पे घोड़े देखने के लिए मिले, और इस घोड़े की चाल चेक करो यार, क्या टाइट लग रहा है, ब्राउन वाला भी बहुत टाइट है यार। ये देखो हमें छोटा बच्चा देखने को मिला है यहाँ पे, ये इन्हीं में से किसी का लग रहा है मुझे, ये वो कितना प्यारा है यार। वे कितने बड़े बाल हैं इसके, बाल देखो कितने बड़े हैं इसके। वे मुंह तो दिखाओ, हेलो वे, अच्छा खाना खा रहा है बेचारा, ये रहा उसके बाल देखो कितने बड़े हैं। अच्छा है ना देवा,
बहुत टायर्ड है यार। यार मतलब इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवर आए हुए ना एक्सपो सेंटर में। ओए होए होए होए, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं परिंदे, मतलब यहाँ पे बर्ड्स का फेस्टिवल भी लगा हुआ है, वो देखने जा रहे हैं। लेकिन फिर से वापसी मैं जाऊंगा गाय बकरे देखने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं घर वापस चले जाऊंगा, गाय बकरे देखने जाने हैं मुझे वापस। ओए होए होए होए, हम यहाँ पे आ गए हैं बर्ड्स के एरिया में। यार कितना प्यारा बैठा हुआ है वो, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार, क्यूट से बाज बैठा हुआ है, इसकी आंखों पे कपड़ा बांधा हुआ है, मुझे लग रहा है ये खतरनाक वाला बाज है। खरगोश बैठे हुए, रैबिट, कितना प्यारा लग रहा है यार। वाह यार, वो यहाँ पे मकाऊ भी है, इग्नोर कर रहा है। इन सारे पिंजरों में ऑस्ट्रेलियन है, लव बर्ड है, लुटीनो है, और यहाँ पे कॉकटेल भी है। देखो कितने प्यारे हैं, ये नहीं पता मुझे क्या है, ये फिंचर्स हैं यहाँ पे ना। कोकाटू भी है, कोकाटू। ओ भाई साहब, यहाँ पे क्रोकोडाइल भी, शुक्र है इसका मुंह बंद है, वरना अगर ये बाइट मार लेता ना, मैं पूरी जिंदगी अपने हाथ से बाइट नहीं ले पाता। हम लोग वहाँ से निकल गए बर्ड्स एरिया से, और भाई काफी अच्छी अच्छी चीजें थी वहाँ पर, और अभी हम लोग फिर से जाएंगे वहाँ पर बछड़ों की जगह पर और बकरे भी देखेंगे, और अभी बहुत टाइम है भाई, आराम से जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए फूड कोर्ट में। हुज़ैफ़ा मुझे खिलाओ यार कुछ, तुम मुझे खिला दो यार, तुम देर हो ना तुम। हुज़ैफ़ा की तरफ से आज ट्रीट है भाई, फूड कोर्ट में हम दोनों ने ऑर्डर प्लेस कर दिए, और हुज़ैफ़ा भाई ने हमें ट्रीट करवाई है, ऐसे झूठ नहीं बोला था, हुज़ैफ़ा ने ट्रीट करवाई है। वो लोग कह रहे हैं कि आपका ऑर्डर तैयार होने में हाफ एन आवर लगेगा, तो हम लोग वापसी अभी गाय और बकरे देखने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी प्यारी बछियाँ खड़ी हुई हैं। भाई क्या हाल है यार, यहाँ पे कितने कितने दांत की बछियाँ हैं? चार की और छः की हैं। अच्छा ये सामने बड़ी खूबसूरत खड़ी हुई है, कितने दांत की है? चार दांत। लेकिन बछिया बहुत प्यारी है यार। यार वो बछड़ा देखो कितना बड़ा अलग ही दिख रहा है, वो देखते हैं। बछड़े की छालर देखो यार, फुल भारी बछड़ा लग रहा है, कितना बड़ा है यार। ब्राह्मण नस्ल नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा है यार। खूबसूरती भाई खूबसूरती, ओए होए, हेवन यार हेवन। ये इनका फूड कोर्ट है और हम यहाँ बैठे हुए, बर्गर हमारा आ गया और ये फ्राइज है और ये हुज़ैफ़ा का बर्गर, खाने हम लोगों ने खा लिया। और यहाँ पे देखो हमें किस नस्ल का घोड़ा दिखा है, ओए होए होए होए, कितना प्यारा लग रहा है यार। वो रहा एक घोड़ा और एक घोड़ा कोने पर, ये वाला घोड़ा ना कुछ यूनिक सा लग रहा है, इसकी नस्ल कुछ अलग है लेकिन लग प्यारा रहा है यार। यहाँ इतनी प्यारी प्यारी बछियाँ खड़ी हुई हैं, और ये वाली चेक करो यार, ये कितनी खूबसूरत बछिया बाहर आई है। ओए होए होए होए, ये गुलाबी बच्चा देखो यार, इसकी उठान, और एक वो भी बच्चा खड़ा हुआ है, लेकिन इसकी बात अलग ही है यार। भाई काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं एक्सपो सेंटर में, और बहुत मज़ा आया, मतलब एक यार गायों की एक अलग ही हेवन थी यहाँ पे, और बहुत मज़ा आया। तो बस अब हम लोग चलेंगे घर, और ये 3 दिन के लिए लगता है, तो शायद हम लोग कल भी आए। ओके जी, तो घर हम लोग वापस आ गए, मैं अब करूँगा अपनी एडिटिंग। और यार कसम से जो जगह थी ना यार, कसम से मतलब हेवन यार हेवन। और कल डेट हुआ है तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं कल भी जा रहा हूँ, मेरे साथ इन 3 दिनों में जुड़े रहना। और अगर तुम्हें मेरे ब्लॉग पसंद लाइक जो कर देना, फिर बस आज का ब्लॉग हम भी पेंट करते हैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद लाइक जो कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, अल्लाह हाफिज। आज तो बूम कर ही सकते हैं ना, बूम। ये शीशे वाला भी ना मेरी सही बेइज्जती का आ रहा है, आके नहीं दे रहा, शीशा नहीं लगाएगा भाई ये मुझे लग रहा है।